जिहड़े लोग थोड़ी जी मन में हले भी भुलेखा रखते हैं कि इत्थे एड्डी वड्डी पद्धर ते तैयारी किवें कर लई फौज नाल युद्ध करन दी। साध संगत जी दमदमी टकसाल के मुखी कोई सधारण व्यक्ति नहीं होंदे, खिमा करना मैनू क्योंकि मैं दमदमी टकसाल का विद्यार्थी हाँ, कहणगे भी ये आपदी डोडुगी वजाउंदा है, नहीं ये गल नहीं। संतां ने हर स्टेज तो कहा कि लखां की गिनती का इत्थे घेरा पैणा, सिंगो उहदे लई तैयारी करो, क्यों कहिंदे सी उहनां नूं दीदा सी, उहनां नूं इस गल दा अनुभव सी कि आह कुछ साडे नाल वापरना। मैं ये भी बेनती करा, वह धर्म युद्ध मोर्चे वेले नहीं कहन लगे, जो विचरते सी ना पंजाब विच भारत भर में उदों भी कहिंदे सी वी 84 दे विच बहुत कुछ आपां नूं इत्थे देखना पैणा। सो उन्होंने तैयारी इस वास्ते की क्योंकि घटना जिहड़ी चल रही सी ना घटनाक्रम सेंटर दी केंद्र दी जकार्ता विखे उत्थे जो तैयारियां हो रही सी मॉडल बनाए जा रहे सी वो सानू तुहानू भुलेखा हो सकता है, संत जरनैल सिंह नू भुलेखा नहीं सी। उहदे ते इक इहो जिहा फुलादी जरनैल शबेक सिंह मिल गया। साध संगत जी भाई अमरीक सिंह बाबा थारा सिंह वर्गे कुशल सलाहकार मिल गए, भाई रिशपाल सिंह पीए वर्गे गुरमुख सिंह वर्गे गड़वई पीए मिल गए। मैं भी बेनती करा कि दुनिया का कोई यहोजा महापुरख होया, यहोजा कोई जरनैल आगू होया किसी कौम का, तुसी इतिहास पढ़े होणगे कि काले पाणिया की जो सजा हुई तो उदों आगुआं दे जिहड़े गड़वाई सी वह भी कहिंदे बाबा जी इत्थों तक ही आना सी, मैं हुण गांह वाली सजा तुसीं भुगतो, पर नहीं इत्थे किहदा किहदा मैं नां लवां जिहड़ा एक तो गांह हो के संत बाबा जरनैल सिंह खालसा जी दे अपनी जिंद वारन वास्ते तैयार सी, जिहदे विच साध संगत जी भावां संतां दा ड्राइवर होवे, संतां दा गड़वई होवे, संतां दा पीए होवे, संतां दा सलाहकार होवे, संतां दा जरनैल होवे, संतां दा भतीजा होवे, संतां दा भरा होवे, किहदे नाल लई इत्थे किहने हस-हस के शहीदी नहीं पाई। पर दूजे पासे मैं ये भी बेनती करा किसी शराबी नूं सुधार के संतां ने भाई रसाल सिंह वर्गे नूं किते खंडे दे अमृत दी दात दे के नाम नाल जोड़िया होवे, वह भी आपां वारन वास्ते तराने गा रहा होवे, कार सेवा दीआं टोकरियां ढोण वाले वो एक तो दूजा मूहरे होकर लड़न वास्ते शहीदी पाउण वास्ते तैयार होवे, फौज च ये जज्बा हो सकता, फौज नहीं हो सकता है। आम पिंडां दे लोग अपनियां रफलां लैके अपने हथियार जिहड़े उहनां दे लसंसी हथियार सी वह लैके पहुँच जाण कि महापुरखो साडी सेवा प्रवान करो। एक नौजवान 26 साल की उम्र संतां कोले पिछे जे खड़ा संगत विच जदों बचन बिलास होटे संत कहिंदे गुरमुखा भाई तेरा की नाम है, उरे आ मेरे कोल दस्या आपदा नाम की चाहुणा तूं, ते संतां दे बिल्कुल कोले हो के कहिंदा महाराज मेरा सिर लवा दिओ। ये भावनावां कौन पैदा कर सकदा, पैदा कर सकदा? तो जिहड़े कोल सिंह कहिंदे सी सिंघो आ भाई गल सुणो, आ सिंह दी गल सुणो की कहिंदा, पुछिया की कहिंदा भाई, कहिंदे मैं ते महापुरख नूं कहा मेरे मेरा सीस लवा दो इत्थे किथे। जिहड़ियां ये भावनावां लैके आए सी वो डर सकदे सी फौज तों, फौज नूं इन्हां गल्लां दा नहीं सी पता। हाँ जिहड़े इत्थे रहिंदे सीगे फौजी अफसर CID अफसर सिविल दे अफसर पुलिस दे अफसर उहनां नूं पता सी, उहनां ने कहा भी ये कुछ नहीं होना, किसी ने इत्थे सरेंडर नहीं करना, पर साध संगत इहदे बावजूद लड़ाई होई। पहला पैरासूट दे राही भी इन्ने क बंदे फड़ के ही मुकाबला कर लैणगे, क्योंकि जनरल कुलदीप ते आप दी सोचनी ते सी ना, जदों उहनां नूं पार बुलाता फिर गोताखोर ट्रेंड बंदे लियांदे सरोवर वी दी तैर के लंघ जाणगे। ते जनरल शबेक सिंह भाई अमरीक सिंह
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬੰਦੀ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗਲਮੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਠੀਕ ਸੀ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਲੱਖ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ।